नमस्कार दोस्तों, विरल संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ईरान से आए आक्रमणकारियों, जिन्हें साकाज, इंडोसीथियन या इंडोसाका के नाम से जाना जाता है, भारत में उनके इतिहास को जानेंगे और उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों को देखेंगे। इंडोसीथियन का इतिहास तत्कालीन भारत में लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ माना जाता है, जिन्होंने लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी तक तत्कालीन भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर शासन किया। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में मौज को पहले इंडोसीथियन राजा के रूप में जाना जाता है, ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार और सिंधु घाटी में साकाज को स्थापित किया। यह तक्षशिला में पाया गया तक्षशिला ताम्रपत्र, जिसे मोगा शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मौज का उल्लेख मिलता है। यह तक्षशिला में पाया गया था और वर्तमान समय में यह ब्रिटिश संग्रहालय में है। मौज के शासन काल तक साकाज का विस्तार शायद मथुरा तक हो गया था। शताब्दी ईस्वी में सातवाहन सम्राट गौतमी पुत्र सत्कर्णी द्वारा इंडोसीथियन को पराजित करने के बाद शक शासकों का पतन शुरू हो गया था और 395 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम पश्चिमी क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय को हराकर उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडोसीथियन शासन को समाप्त कर दिया था। इसके बाद किसी भी इंडोसीथियन शासक या उनके क्षत्रप का वर्णन भारतीय इतिहास में नहीं मिलता। मौस ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक राजा अपोलोडोटस द्वितीय को हराकर तक्षशिला पर अधिकार किया और बाद में अपने साम्राज्य का विस्तार सिंध से मालवा तक कर लिया। परंतु मौस की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन होने लगा और भारतीय राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में इंडोसीथियन को हराकर उज्जैन को अपने अधिकार में ले लिया। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम युग के प्रारंभ के द्वारा अपनी इस जीत का जश्न मनाया, जिसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। मौस की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भारत पर एक बार फिर से इंडो ग्रीक राजाओं ने अधिकार कर लिया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इंडोसीथियन राजा एजिस प्रथम ने इंडो ग्रीक राजा हिपोस्ट्रोटस को हराकर उत्तर पश्चिम भारत पर एक बार फिर से अधिकार कर लिया। यह राजा एजिस के समय जारी किया गया तांबे का सिक्का है, जिसका वजन लगभग 6 ग्राम है। इसके अग्रभाग पर राजा को हाथ में भाला लेकर घोड़े पे बैठे दिखाया गया है और इसके चारों तरफ ग्रीक में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग पर जीउस, राजदंड और वज्र पकड़े खड़े हैं और बाईं ओर मोनोग्राम और दाईं ओर खरोस्ती में लिखा है। इसके चारों तरफ खरोस्ती में लिखा है। युग पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सीथियन राजा ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। युग पुराण में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि सीथियन राजा को कलिंग के राजा शत और भीलों के एक समूह ने मारा था, परंतु तब तक सीथियन राजा ने 1/4 आबादी को मार डाला था। एजिस की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत में इंडोसीथियन का शासन पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में इंडो पार्थियन शासक गोंडोफारस के उदय के साथ बिखर गया। इसके बाद के दशकों में कई छोटे सीथियन शासकों ने खुद को स्थानीय गढ़ों में इंडो पार्थियन साम्राज्य के किनारे पर बनाए रखा। उनमें से कुछ ने गोंडोफारस प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति औपचारिक निष्ठा बनाए रखा। यह सिक्का शक राजा एजिस द्वितीय का माना जाता है, जिन्होंने संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आखिरी वर्षों में अथवा पहली शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था।
यह चांदी का बना सिक्का है जिसका वजन लगभग 7 ग्राम है। इसके अग्रभाग पर राजा को चाबुक को हाथ में लिए घोड़े पर सवार दिखाया गया है और इसके चारों तरफ ग्रीक अक्षरों में लिखा है। इसके पिछले भाग पर एथेना दाईं ओर खड़े दिखाया गया है, जिन्होंने अपने हाथ में एक ढाल और एक लंबा भाला पकड़ा है। इसके दोनों तरफ मोनोग्राम है और चारों ओर खरोस्ती में लिखा है। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और विरल संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय सिक्कों और बैंक नोट से संबंधित जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव या भारतीय सिक्कों और बैंक नोट से संबंधित सवाल हमें कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर भेजें। विरल संग्रह चैनल के पेज पर जाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे विरल संग्रह के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।